जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के हयात नगर निवासी एक परिवार ने मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी कार्यालय में एक शिकायती पत्र दबंग व्यक्ति नरसिंह के खिलाफ दर्ज कराया है। आरोपी नरसिंह उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्य मोनू ने बताया कि उसकी माँ राम प्यारी के नाम से गाँव में एक प्लॉट है। प्लॉट पर थाना मंझोला निवासी नरसिंह जबरन कब्जा करने की फिराक में है। आरोप है कि आए दिन वे पीड़ित परिवार को डराता धमकाता रहता है। बीते दिनों भी जब पीड़ित परिवार अपने प्लॉट पर निर्माण करा रहा था तो आरोप है कि नरसिंह ने मौके पर जाकर उसकी मां राम प्यारी और परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर मारपीट की। इस संबंध में थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मोनू ने अपनी मां राम प्यारी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू जी कहाँ से आए? हम मोहम्मद यादपुर से बिलारी से आए हैं। क्या समस्या? हमारी समस्या ये है, हमारा मुरादाबाद जयंतीपुर में प्लाट है 113 गज का, जो अवैध कब्जा नरसिंह कर रहा है हमारे प्लाट पर। कौन कर रहा है? नरसिंह जबरदस्ती बना रहा है, हमें कब्जा नहीं दे रहा है। पुलिस भी नरसिंह जो हमें प्लाट नहीं बनाने दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है बार बार। हम 21 तारीख में हम गए बनाने तो हमें बनाने नहीं दिया, मारने में गंदी गंदी गाली देने लगा हमें। बार बार जा आता है, फिर लड़के बुला लिए उसे मारने के लिए। हमें फिर मझोला थाने गए तो मझोला थाने पुलिस वालों ने नहीं सुनाई हमारी कोई बात, नहीं सुनी हमारी बात, कोई नहीं सुन रहा साहब, पुलिस वाला कोई नहीं सुन रहा। आज किससे मिल रहा है? हम एसएसपी साहब से आए, उनसे अपने कप्तान साहब से एप्लीकेशन लगाई है हमने। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा प्लॉट हमें बन जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। उनके खिलाफ कोई शिकायत की है? शिकायत तो कई बार कर दी हमने, कम पाँच छह बार करीब आ गए हम यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मझोला थाने में हमारी कोई नहीं सुन रहा।